बस जय गुरु जी, कैसे हो आप सब? तो आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर आपके लिए भी करंटली क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एक साथ बहुत सारे कार्ड्स, बट मैं नहीं ले रही इन्हें। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर? टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो। कुछ ऐसा है जो उनकी लाइफ में इनबैलेंस है, उसको बैलेंस करना चाहते हैं। बिल्कुल अगेन दोनों कार्ड्स ये आ गए। आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने की इच्छा है उन्हें, बट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में बैलेंस की कमी है, तो बैलेंस करना चाहते हैं और चाहते हैं हीलिंग चाहते हैं आपके साथ, आपके रिश्ते की, और वो चाहते हैं कि आपके साथ बैलेंस हो। रियूनियन चाहते हैं, बहुत लोगों के पार्टनर उनके साथ रियूनियन चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पार्टनर की इमोशंस थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हैं, थर्ड पार्टी का कनेक्शन भी आ गया है आपके इसमें, तो थर्ड पार्टी के साथ उनके कनेक्शन जुड़े हैं, इमोशंस जुड़े हैं, तो हो सकता है थर्ड पार्टी से उनके कुछ झगड़े हुए होंगे, तो उसके वजह से थर्ड पार्टी और आप दोनों के बीच में वो चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे, खुशियाँ बनी रहे, और थर्ड पार्टी को छोड़ना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो अभी फ़िलहाल तो अभी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है। और कहीं ना कहीं आप दोनों को बैलेंस करके चाहते हैं, आप दोनों को अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं कि आप दोनों के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी रहे। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ भी वो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, हैप्पी कपल्स की तरह चाहते हैं बन के रहना, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ भी यही चाहते हो, मतलब वो चाहते हैं ना दोनों, मतलब पाँचों उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में। आपका पार्टनर, आपका बंदा यही चाहता है कि वो ना दोनों को संभाल संभाल के दोनों को रखे, दोनों के साथ बैलेंस बना के रखे। अगर अगर बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि अगर उनका बंदा फ्लर्टी नेचर का है, बुरा नहीं मानना, लेकिन हाँ अगर फ्लर्टी नेचर का है तो, और मैरिड भी है, तो कहीं ना कहीं उसके साथ कंडीशन ऐसी है कि अपने घर में भी बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, आपके साथ भी बैलेंस बनाना चाहता है, और कोई उनकी लाइफ में अगर अदर थर्ड पार्टी है, यानी कि लव पार्टनर है आपके अलावा, तो उसके साथ भी बैलेंस करना चाहते हैं। मतलब तीन तीन लेडीज़ की यहाँ पे वाइब्स आई है मुझे, तीन लोग। यस, इनके साथ बहुत सारे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी चीट किया है इन्होंने आपको, काफ़ी झूठ बोले हैं, लायर, मतलब लायर पर्सन है, बहुत लाई, मतलब बहुत झूठा इंसान, बहुत ही चीटर व्यक्ति, और ये अब उन चीटिंग्स को याद कर रहा है, पास्ट में आपके साथ बीते हुए पल, आपकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखना, आपके साथ बोला हुआ झूठ, आपके साथ की गई चीटिंग्स, सारी याद आ रही है इस बंदे को अभी, और अब वो चाहता है कि बिना किसी के परवाह किए जिस तरह से उन्होंने आपको छोड़ा, मतलब सॉरी, आपकी परवाह मतलब नहीं की है, उसने आपको छोड़ा उस तरह से, अब वो नहीं, किसी की परवाह नहीं करना चाहता है, और अब आपके साथ यूनियन चाहता है, रियूनियन चाहता है, बैलेंस चाहता है, बहुत कुछ चाहता है। ये बंदा काफ़ी सोच रहा है आपके बारे में, ओवर थिंकिंग चल रही है इसकी, बहुत सारे लोग से वर्क प्लेस पे हो सकते हो, और सोशल मीडिया से भी बहुत लोगों ने, मतलब अपने पार्टनर के साथ बहुत लोग जुड़े हो सकता है, बहुत लोगों ने अपने पार्टनर के साथ कभी सामने एक दूसरे को देखा तक नहीं है, और फिर भी कनेक्शंस का पता हमारी डिवाइन फेमिनिन को चला है, ऐसा भी हो सकता है। तो न्यू बिगनिंग करनी है, कुछ लोगों को बिजनेस करना है साथ में, कुछ ऐसा है, कुछ गुड न्यूज़ है जो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, और उनकी लाइफ में फ़िलहाल फाइनेंशियली मतलब कुछ कुछ लोगों के पार्टनर ने गेन किया है, और कुछ लोगों के पार्टनर ने कुछ ऐसा मतलब धोखा पाया जिस तरह से उन्होंने आपको दिया, सेम वैसे ही किसी ने इन्हें भी धोखा दिया, तो कर्मा तो मिलेगा ही ना। अब कहीं ना कहीं वो आपको एक मैच्योर पर्सन के रूप में देखते हैं, क्वीन के रूप में देखते हैं, बट अब
पहले की तरह आप उनको अपने इमोशंस नहीं दिखा रहे हो, उन्हें लग रहा है आपके अंदर से सारे इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। काफ़ी सेंसिटिव उन्होंने आपको पाया था, काफ़ी काइंड नेचर का पाया था, बट उन्हें अब ये चीज़ें फील नहीं हो पा रही है आपकी तरफ से। आप एकदम शांत हो गए हो, जिस तरह से ये बंदा कभी साइलेंट रहता था आपके लिए, आज आप हो गए, और आप इसको अब मौके नहीं देना चाह रहे हो, लेकिन ये बातें करने की इच्छा रखता है, ये आपसे बात करना चाहता है और बात करके सब कुछ रिजॉल्व करना चाहता है। आपके साथ जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कुछ भी है, नो कॉन्टेक्ट है, जो भी है, सबको सॉल्व करना चाहता है, क्योंकि ये रिग्रेट लेके बैठा है, दुखी है, जो इसने किया है ना, जो कांड किए हैं इन्होंने, तो सारी कांड सारे वो याद आ रहे हैं। थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में जो है, ये बंदी बहुत चालाक है, ब्रिटिश कलर की हो सकती है, दुबली हो सकती है, और चालाक तेज तरार महिला है। काफ़ी कुछ छुपाया है उस महिला ने इस पर्सन से, और उसने इन पे ब्लैक एनर्जीज़ का भी यूज़ किया है, आप दोनों के ऊपर ब्लैक एनर्जीज़ का यूज़ किया है, और काफ़ी स्पेल करती रहती है हर न्यू मून फुल मून पे ना, ये महिला आप लोगों पे स्पेल वर्क करती है, ताकि आप दोनों एक ना हो सको और आपसे आपका पार्टनर मूव ऑन कर जाए। और हुआ भी ऐसा, जो उस महिला ने जो चाहा हुआ भी ऐसा ही, लेकिन अभी जो कंडीशन है, ये डोमिनेटिंग महिला है, काफ़ी एगोस्टिक महिला है, ये जो है ना बंदा इन दो 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 लेडीज़ के बीच में, देखो दो लेडीज़ के बीच में फंस चुका है, एक उनकी वाइफ रही होगी और एक उनकी और कोई अदर प्रेमिका कह सकते हैं, लव पार्टनर। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस इनकी लाइफ में हैं, बावजूद इसके अब इन जगहों से, मतलब इन चीज़ों से ये थक चुके हैं, दुखी हो चुके हैं, और बीमार भी हो सकता है, बहुत लोगों के पार्टनर हो सकते हैं। ये सोच रहे हैं, रेस्ट मोड पे हैं, सोच रहे हैं मुझे कैसे इनसे छुटकारा पाना है, मुझे कैसे क्या करना है। ये बंदा आएगा न्यू स्टार्ट करने के लिए आपके पास, आएगा और आकर के आपसे सारी बातें बताएगा, लॉयल्टी चाहता है वो खुद के लिए, बट बंदा खुद ही लॉयल नहीं रह पाया, लॉयल्टी चाहता है, और ये कुछ बताना चाहता है आपको, उसने क्या किया सब कुछ, बट उन्हें लग रहा है शायद आप उनकी बात पे विश्वास ना करोगे। रोमांटिक रिलेशन चाहता है आपके साथ, मतलब वो चाहता है कि जो वो नहीं दे पाए आपको, वो सब कुछ देना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपके मतलब हार्ट को, मतलब आपके मतलब दिल को जीतना चाहता है ये इंसान। पास्ट में इसने कुछ नहीं किया आपके लिए, आज वो अब हैप्पी फैमिली बनाने की इच्छा रखता है आपके साथ, फुलफिल करना चाहता है अपने सारे जो भी इसने आपके साथ सपने देखे सारे फुलफिल करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है नहीं आपको, ये सब चीज़ें दिखा नहीं रहा, मरा जा रहा है आपके पास आने के लिए, वो ये दिखा नहीं रहा है। आपके साथ एक फ्रेंडली रिश्ता रखना चाहता है, स्टार्ट वो करेगा ऐसे ही, वो आएगा आपके पास, पहले कहेगा कि फ्रेंड बनते हैं, दोस्त बनते हैं, और फिर धीरे धीरे वो आपके साथ अपने रोमांटिक रिलेशंस की शुरुआत करेगा स्लोली स्लोली, क्योंकि उससे अब रहा नहीं जा रहा है, काफ़ी पॉजिटिव है आपको लेकर के, काफ़ी पैशनेट है आपके पास आने के लिए, बहुत ज़्यादा परेशान है ये बंदा, काफ़ी हार्डवर्क कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, उसे लग रहा है आप, उसने आपको खो दिया है, और कहीं ना कहीं वो शून्य में जा रहा है, दुखी है, हार्टब्रेक हो गया आपके पास नहीं आ पाने की वजह से, क्योंकि उसे लग रहा है उसने आपको खो दिया है, और ये थर्ड पार्टी इनके ऊपर काफ़ी स्पेल वर्क कर रही है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी ने इनका माइंड वॉश किया था आपकी तरफ से, कि आप कुछ जादू कर रहे हो आप उन पे, या कुछ भी ऐसा करके किसी ने माइंड वॉश किया था, अब उन सब की सच्चाई इनके सामने आ रही है, अब ये बंदा जो है ना अब आपकी लाइफ में सन लेके आना चाहता है, टूटा हुआ दिल लेके बैठा हुआ है, लेकिन वो आपकी लाइफ में सन लेके आना चाहता है, क्योंकि गोस्टिंग की है उसने आपसे, इसका रिग्रेट लेके बैठा है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके कहने से, या मतलब ज़रूरी नहीं थर्ड पार्टी अगर नहीं भी थी तो, वैसे लोग थर्ड पार्टी का रोल उन्होंने निभाया जिन्होंने नहीं चाहा कि आप दोनों का कनेक्शन
जुड़े, ओके, फैमिली के पर्सन भी हो सकते हैं, कोई फ्रेंड्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसने नहीं चाहा कि आप दोनों साथ हों, क्योंकि इससे उनका लॉस हो सकता था, बट आपको वो एम्प्रेस की तरफ देख रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन देख रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन, सोलमेट्स कनेक्शन है आप लोगों में। लेकिन हाँ डियर, आप बहुत सारे लोग जो हो मतलब कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, मुझे स्पेशल वीडियोज़ मतलब वीडियो बनाना चाहिए इसके लिए, ये क्या करना चाहिए कि भैया आप जो डिवाइन फैमिली हमारी है इतनी जल्दी हताश क्यों हो जाते हो। आप हताश मत हुआ करो, क्योंकि डिवाइन ने कुछ भी सोचा है, कोई भी जर्नी चुनी है तो कुछ सोच समझ के चुना होगा ना, आप उसके लायक हो तभी तो चुना होगा, क्यों नहीं दूसरों को ये जर्नी मिली, क्यों ही आपको चुना गया इसके लिए। तो इतने जल्दी हताश मत हुआ करो, मैं बस यही बोलूँगी कि हताश मत हुआ करो, मतलब ईश्वर को सरेंडर करो। कुछ समझ में जब ना आए आपको, कोई मंत्र चैंट करो, शांति से सुनो ईश्वर के उसके नज़दीक जाओ। जब कहीं नहीं जाओ, मुझे लगता है कि जिस भी ईश्वर को आप मानते हो वहाँ अपने वर्ग मतलब उस जगह पे जाओ वर्शिप करने के लिए, जहाँ हम जाते हैं वहाँ जाओ, आपको शांति मिलेगी, ठीक है। और बहुत सारी हमारी डियर लाइट चली गई, ओ गॉड क्या हो रहा था। तो क्या है ना, बहुत सारी जो हमारे DF हैं वो डायरेक्ट मुझे नहीं जीना, मुझे ऐसे करना है वैसे करना, ये क्यों करते हो? जीना है तभी तो, ईश्वर को कुछ स्पेशल काम लेना है आपसे, तभी तो आप मतलब चुने गए हो, कोई स्पेशल आपके लिए कुछ ऐसा है तभी तो आपको सेलेक्ट किया गया, क्यों नहीं किसी और को किया गया। तो खैर मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूँगी, इसलिए आपके लिए मैं चाहती हूँ, मुझे दुख होता है आपके ये सारे इस तरह के कमेंट्स देख करके, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है कि आप इस कनेक्शन में आ करके भी इतने हताश होते हो। हाँ, ये जर्नी होती है, बहुत दुखदाई है, बहुत तकलीफ़ भरी है, लेकिन हमें हताश नहीं होना है, ठीक है। तो मेरा यही ये है कहना है, मेरी एडवाइस यही समझो, जो भी समझो, क्योंकि मैं तो चाहूँगी यही कि जो भी इस जर्नी में है पॉजिटिव रहे हमेशा, अपने लिए करो कुछ, स्वयं के लिए जो ईश्वर ये कहता है, खुद में DM ढूंढ लो, आपके अंदर ही DM है। कुछ चैनल पे मैंने सुना है कि इस तरह के जो भी मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ उसी के मतलब, मुझे लगा कि शायद उसके लिए ही कहा गया हो कि ये चैनल मैसेज नहीं होता है, कि DM अभी क्या सोच, नहीं सोच, छोटी छोटी चीज़ें हैं, DM सोच रहे हैं तभी तो हमारे पास ये पिक हो रहा है। और मैं वही डालती हूँ जो मुझे फील होता है, जो मैं ड्रीम में देखती हूँ, जो मुझे फील होता है, जो डाउनलोड्स आते हैं, ओके, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है तो इसके लिए सॉरी। बॉटम में देखो आपके पार्टनर की एनर्जी, वो दौड़ा भागा हुआ आ रहा है बंदा, कहीं नहीं जाएगा, तो जल्दी ही यूनियन रियूनियन होगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि उनके बारे में कम से कम सोचो, कोशिश करो कि आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट करो वहाँ से, आपके DM से दूर करो खुद को। मैं देखती हूँ अब पेंडुलम से कि कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं, कोई क्वेश्चन है तो सोच लो, यस और नो कर दूं मैं आपके लिए कि अगर आपके कुछ क्वेश्चन है यस और नो वाले तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँ। सोच लिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने, तो आपके अगर क्वेश्चन आपने सोच लिए हैं तो ईश्वर हेल्प करें। एंजल्स, कैमरा हिल रहा है डियर, एंजल्स हेल्प करें। क्या हमारे व्यूअर्स ने जो भी सोचा है उसका क्या है आंसर, यस नो मे बी, क्या है मेरे व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है? एंजल हेल्प करें, हेल्प करें एंसेस्टर्स, प्लीज़ हेल्प मी। हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर क्या है?
रेयर मैं फिर से करूँगी क्योंकि ये बीच में आया है. यस नो मे भी कुछ नहीं. ओके एंजल्स हेल्प करें, प्लीज़ कनेक्ट करें, एंजल्स हेल्प मी. हमारे व्यूअर्स के, मैं फिर से इसको ये करती हूँ, एंजल्स हेल्प करें हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है, क्या उनके क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकता है. हमारे व्यूअर्स के मन में जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आंसर क्या है, हेल्प करें. यस यस ओके. एक और क्वेश्चन सोच लो. मेरे व्यूअर्स ने जो भी सोचा है उसका आंसर क्या है, यस और नो. मेरे व्यूअर्स ने जो भी सोचा है उसका आंसर क्या है, यस नो. नो डियर, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर नो है. फर्स्ट क्वेश्चन यस एंड सेकंड क्वेश्चन नो. तो कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा. आइए देखते हैं कि साईं बाबा क्या कह रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में. आपको क्या देना चाहते हैं मैसेज. साईं बाबा हेल्प करें, साईं बाबा हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ संदेश. कर्मों की शुद्धि. गुरु देवदूत स्वर्गदूत तथा अविवाक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं. भरोसा और आस्था. आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो. मौन. मौन की भाषा सीखिए, हज़ार शब्दों से भी ज़्यादा वो कारगर है. तो आपको मौन करने की के लिए कहा जा रहा. समर्पण. अपने मालिक एवं गुरु के प्रति अनुग्रहपूर्वक समर्पण कीजिए. उन्हें वर्तमान स्थिति से सामना करने दीजिए. तो बहुत सुंदर सा आपके लिए सारा संदेश है कि मौन रहो, ईश्वर पर भरोसा रखो. कर्मों की शुद्धि भी बहुत ज़रूरी है. तो अपने ईश्वर पर सरेंडर करो. मतलब पूरे इस संदेश का सार यही है माई डियर के आपको ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर को आपके लिए काम करने दो. आप खुद को ईश्वर के सामने समर्पित करो. ठीक है, तो खुद को समर्पित करो और ईश्वर को काम करने दो. फिलहाल इतना ही. थैंक यू.